नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। असम के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने गुवाहाटी को एम्स का तोहफा दिया। ये अब तक का पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको सुनाएंगे। इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है, इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की। लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है, इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं, वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है, इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे, जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है,
पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने शुक्रवार को एक रैली में ममता सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 35 सीटें जिताने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा होने पर 2025 से पहले ही ममता सरकार गिर जाएगी। आप भी सुने। आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भोस हो जाए। दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस वीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस वीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया। मुक्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? बम धमाका बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक गौ तस्करी बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? एक घुसपैठ बंद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भ्रष्टाचार बंद करना है या नहीं है? ये भाई भतीजावाद बंद करना है या नहीं करना है? मुझे बताओ, ममता दीदी कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? हाथ ऊपर करो, कर बोलो, कर सकती है? केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने गारंटी देकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के ये हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। ममता दीदी, आप भले स्वप्न देख रही हो, आपके बाद आपका भतीजा मुख्यमंत्री बने, मैं बीरभूम में बताकर जाता हूं, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता।
माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार की दोपहर यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। एसटीएफ की झांसी के पारिक्षा डैम के पास असद और गुलाम से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों मारे गए। उमेश पाल मर्डर केस में ही दोनों वांछित अपराधी थे, जिनके ऊपर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि असद के शव को देखने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंच सकती हैं। ऐसे में उसके सरेंडर की भी चर्चा है। भाई मेरे उसके दिन हम लोग आए हैं, कुछ ना बता पाएंगे। कई बार बताए मेरे भाई, यहाँ आएंगे गुसूल लेंगे, हर बार उसके बाद यहाँ मिट्टी उठा देंगे। उसके बाद हम लोग मिट्टी देने आए हैं, बस जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, दुआएं मगफिरत की जाएगी। हाँ, जनाजे के बाद वहाँ वो कब्रिस्तान पे होगी, बस वही सबके सारी में सारी कब्रिस्तान, बस वही दफन कर देंगे। क्या नाम है आपका जी? हाफिज जी मुझे कहते हैं। रायबरेली में योगी सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खुलती देखी गई। बता दें कि ये मामला फतेहपुर डिपो की बस का है, जो कि लखनऊ से फतेहपुर जा रही थी, लेकिन बस अचानक से बीच रास्ते में बंद हो गई, तो वहीं बस को यात्री धक्का लगाते हुए देखे गए। सीतापुर जनपद में लूट चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही, लेकिन फिर भी अपराधी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिलों सहित ऑटो लिफ्टर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय सीतापुर के निर्देशन में चोरी, लूट व नकबजनी के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मछरेटा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 111/23 के धारा 379-411 के अभियुक्त भीमा उर्फ शोभित पुत्र रामशंकर निवासी पेरिया कोडर थाना मछरेटा को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर छिपा कर रखी गई चोरी की 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। उसके विरुद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक अभियोग। अगली खबर सीतापुर से है। बताते चले कि दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताते चले कि कैदी को सुबह तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने मारपीट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे 3 साल के अंदर है। काहे के मामले में? हमारे लड़के की लौंडिया आग बुलाए की फांसी ले रहा है, 76 महीना बंद कराए रही जा रहा है। आज क्या हुआ? आज मार डरी कौन हमारे खेरे जेलर अधिकारी है, जेल के जत्ते सब रहे डॉक्टर लोग भले सब मिलकर ही मारिन। अच्छा। सब मिलकर ही मारिन डॉक्टर वॉक्टर सब। आप अपने बेटे से कब मिली थी? हम कल ही मिले रहे। क्या बोला? हम अपने बेटा से मिले रहे, हमारे भैया का हमारा कहा, हम कहे ना भैया कहा है, हम कहे ना भाई कहीं नहीं मम्मी ग्वार भैया हमारे दिक्कत है और कुछ नहीं फिराते है, कहीं नहीं हमारे ग्वार में दिक्कत है, हम कहे ना भैया खाना खाए। रायबरेली में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार बाबा और नाती की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि बाइक सवार बाबा और नाती पास की रामगंज बाजार से वापस लौट रहे थे कि तभी ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बताते चले कि ये पूरा मामला डीह थाना इलाके के रायबरेली परशदेपुर मार्ग का है। तो वहीं अगली खबर कन्नौज से है। बताते चले कि गहरे पानी में जाने से 13 वर्षीय एक किशोर की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं ग्रामीणों ने 3 अन्य को बचा लिया है। बताते चले ये हादसा तालग्राम थाना क्षेत्र के कलकत्ता पुरवा गांव में हुआ, जहां फेल बोरिंग सही होने के बाद तालाब में पानी भरा गया था। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस
जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर बिजनौर से है। बताते चले कि बिजनौर के एक घर में यूकेलिप्टस के पेड़ पर गुलदार दिखा, जिसके बाद से इलाके भर में दहशत का माहौल है। हालांकि गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी इस दौरान देखी गई, तो वहीं इस भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने गुलदार की ये तस्वीरें कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि अब जमकर वायरल हो रही है। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट पर एआईएमआईएम पार्टी से गाजियाबाद जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बताया गया है कि एआईएमआईएम गाजियाबाद में पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोनी में विकास न करने की बात कही गई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि बीजेपी केवल भेदभाव की राजनीति करने का काम करती है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं। उस समय हमारे यहां उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई, लेकिन लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल गए। आप भी सुने इस दौरान क्या कुछ कहा संजय राउत ने। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने यह जो प्रयास शुरू किया उसका हम स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में सीनियर लीडर और भारत के सबसे बड़े नेता है शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है। यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को ऐसी है, सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए। आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे, लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में हैं। ये समझना चाहिए, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो अतीक के एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले थे वो भी जेल जाएंगे, ये आपका इशारा? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। आप भी सुने क्या कुछ कहा। ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया,
आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते, लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो, लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ अपनी जान दे दो, लो केजरीवाल जी हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ जान दे दो, लो संजय सिंह जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। क्यों ये नाटक कर रहे हो, क्यों ये ड्रामे कर रहे हो? ईडी की जांच, 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, क्यों ये सब कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, इतनी नफरत है अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, बुलाओ, आपके पास तो बहुत ताकत है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दो, खत्म करा दो सबको। ये चल रहा है इस देश के अंदर, ऐसे जांच एजेंसियां काम करेंगी? और तो और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही है। न्यायालय जब जमानत रद्द कर रहा है तो इसी को आधार बना रहा है। न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करके एविडेंस को मिटाए। घर में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, परिवार के लोग, स्टाफ के लोग, उनका अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। तो वहीं इस बीच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। उस रास्ते पर चले वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रतन जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया, और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें आर्यन।